Assalamu alaikum everyone, I am SK here. You watching me on channel, I am SK official, I am back to the new vlog. तो आज का vlog छोटा होगा but बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है. क्यों बोलूँ तो मैं आया हूँ आज फलकनुमा पैलेस के अंदर. जी हाँ, हैदराबाद का मशहूर फलकनुमा ताज पैलेस. क्यों बोलूँ तो मेरी सांस फूरी, अभी अंडर हुआ. मैं तकरीबन यहाँ से 10 से 15 मिनट चलते हुए जाना है और आज सलमान खान की मूवी की शूटिंग है. तो इंशाल्लाह जितना हो सका उतना कवर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे. तो अभी मैं एंटर हो चुका हूँ फलकनुमा पैलेस के अंदर लाइव. इंशाल्लाह आपको जितना हो सके उतना अच्छा कवर पूरा दिखाऊंगा, पूरा अच्छा ब्लॉग में कवर करेंगे. थोड़ा सीना लेंगे, थोड़े सीना नहीं लेंगे. तो देखो और इन्जॉय करो, बने रहें इस ब्लॉग के एंड तक. तो मैं आ चुका हूँ फलकनुमा के मेन एंट्रेंस के पास. मेन गेट तो क्रॉस कर लिया बट अभी अंदर एंटर हो चुके हैं अपन. ये है तो जितना हो सकते मेरे से उतना कवर करूंगा. शायद वीडियो लेना अलाउ नहीं होगा बट अपन जितना हो सके उतना कवर करेंगे. अंदर एंटर होते कि किराक कारा किराक लोकेशन किराक व्यू दिख रहा आपने. तो हम लोग आ चुके हैं फलकनुमा के बिल्कुल अंदर. फलकनुमा पैलेस का मेन गेट तीन चार गेटा भी क्रॉस कर दिए. ये अंदर का नज़ारा है. ये हमारे समीर मामा हैं. तो अंदर जाएंगे, ये सलमान खान की सिकंदर मूवी की शूटिंग के बसा है अंदर. तो जितना हो सके उतना कवर करेंगे अपन. ये पूरे जितने भी है सलमान खान की शूटिंग के लिए जो भी एक्टर्स वगैरह आए हुए उनके बसेस है. अंदर है नहीं है वो नहीं मालूम बट ये पूरे लाइन से सिकंदर मूवी के बस के शूटिंग्स के बसा हैं. तो ये लाइन से खड़े हुए बसा दिख रहे हैं पूरे सिकंदर मूवी के शूटिंग के लिए जो भी एक्टर्स वगैरह आए हुए हैं सब उनके बसा हैं. ये हमारे मामा हैं और ये मैं हूँ. ये फलकनुमा ताज पहले से ये हमारा शहर है. पूरा फलकनुमा के ऊपर से पूरा शहर दिखता हमारा. ये नज़ारा दिख रहा आप लोगों को, पूरा फलकनुमा के ऊपर से पूरा अपना हैदराबाद दिखता है. ये अपना हैदराबाद है. तो देख सकते हैं आप लोग जितना हो सके उतना कवर करेंगे. ये शूटिंग्स बस है. सिकंदर मूवी आ रही सलमान खान की तो उसकी शूटिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे. सलमान खान अपने हैदराबाद को आए हुए हैं फलकनुमा ताज पैलेस में. तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे अपन बोलने का. तो ये है अपने फलकनुमा का तीसरा या पाँचवा गेट है. तो इसके अंदर अपन एंटर हो चुके हैं. क्या कहते हैं खाना नाश्ता रेडी हो गया. तो ये है शूटिंग के बस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग. क्या खतरनाक, फर्स्ट टाइम देखा हमें. खतरनाक इंतजाम करे हुआ है यहाँ पे, पूरा प्रोफेशनल इंतजाम करे हुआ है. एसी के साथ है, टैंक बने हुआ है एसी के अंदर सब पूरा है. वेटिंग रूम डाइनिंग रूम क्या बोलते हैं. यहाँ पर आ चुके हैं अपन मेन फलकनुमा पैलेस के मेन गेट में जो कि अंदर है. अपने भी चार से पांच गेटा लग गए आने में. तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त नज़ारा है. मेरे साथ समीर मामा है तो पूरा जितना हो सके उतना दिखाएं. तो हम लोग आ चुके हैं मेन यहाँ का. देख सकते हैं आप लोग पूरे टैंका वैंगा हर चीज़ का इंतज़ाम, हर चीज़ की सहूलत है यहाँ पे पूरा ए टू जेड. हाँ जी सब अलग रहता है. तो गुजरे ना खाली, अभी अंदर कहाँ पहुँचे घुसते जा रहे खाली फलकनुमा में. तो ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करवाया लोगों के खाने वाने का. लिए ब्रेकफास्ट हो गया अपना तो अभी चाय चल रही. बाय बाय फलकनुमा पैलेस, चलते हैं. बहुत हालत थक गई, ज्यादा ब्लॉग बना नहीं सके बट जो भी दिखाए जैसा भी दिखाए अच्छा दिखाए. ये है फलकनुमा पैलेस का नज़ारा. और ये मैं पैदल चल रहा हूँ. धूप में बहुत ज़्यादा हालत थक गई मेरी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. मैं सोचा था बहुत इन्जॉय करेंगे, फुल मस्ती करेंगे बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. हालत बहुत ज़्यादा थक गई. मैं गया ब्रेकफास्ट करा और सो थोड़ा बहुत बैठा बट जिसे मिलना था उनसे तो नहीं मिल पाए. सलमान खान से मिलना था बट नहीं मिल पाए. और जो सीन सोचा था हमें ऐसे ऐसे वीडियोस लेंगे बट कुछ भी नहीं बना पाया हमें और अलाउ नहीं था अंदर. जितना हो सका उतना कवर करा, जो भी आप लोग देख लिए होंगे. तो अभी जा रहा हूँ मैं घर को. हालत बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई, जाके सो जाता हूँ मैं अब.